बस यही सुन्नत है, ये वाहिद सुन्नत है जो मर्दों को बड़ा दिल करता है। इसके अलावा भी एक और भी है, वो चार शादी। अब वो मेरे दोस्त ने कॉल की मुझे, कहते यार वो एक वीडियो लगी है, तो मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि आपके खिलाफ वीडियो आई है, मुझे इस बात का अफसोस है कि आपका जिंदगी में पहली दफा स्कैंडल निकला है, वो भी लड़के के साथ। आप 3-2 हो गए हैं, तो अब ये दोनों में चीजें क्लैरिफाई है कि कल को हम ये भी सुने कि जी वलीद अलग वीडियो डाल रहे हैं, आप अलग डाल रहे हो एक दूसरे के खिलाफ। खिलाफ हम डालेंगे व्यूज के लिए। अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स ना होते तो क्या होते? मैं क्या होता? कामयाब होता। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉनस्टॉप पॉडकास्ट। मेरा नाम है जलाल और मेरे साथ हैं आप सबकी फेवरेट होस्ट कवल ज़ुल्करनैल। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा गला खराब है आज, बोलें आप प्लीज बोलें, मुझे कैसी भी ना पूछे मैं कैसी हूँ, मैं कैसी नहीं हूँ। आप बताएं आप कैसे हैं? अब मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों? आप ये बोलने की जिम्मेदारियाँ मुझे दे देती हैं। अच्छी बात है, जिम्मेदारियाँ देती हैं फिर भी नहीं बोलता। नहीं 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 नहीं, अब मैं जिम्मेदारी आपको पूरी जिम्मेदारी दे रही हूँ। आज मुझे बताइए आप ये तोता क्यों बन के आया? मुझे आपकी आज... शर्ट देख के ना ऐसे लग रहा है, वो इज़ल आजकल सुनती है ना, मैं तोता हरे रंग का मैं होता, तो ये वो आप लग रहे हैं यार। ये ना बस आप लोगों की है, आप लोग कहते हैं कि इस तरह की ड्रेसिंग किया करो, तोते वाली ड्रेसिंग किया करें। मैंने तो कभी नहीं कहा जलाल भी आपको, या कि बेगम ने आपको कहा होगा कि तोते वाली ड्रेस। हम लोग खैर अपने गेस्ट को बुलाते हैं, हमारे गेस्ट कहेंगे, इन्होंने आपस में ही शो करना है सारा। हमारे गेस्ट हैं आज हमारे WT के दो सितारे। तो वेलकम करते हैं आपका। देखिए कोई और है नहीं, मैं खुद ही ऑडियंस बन के बताली भी आप सबके लिए मारती हूँ। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे आप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत ज़्यादा नो प्रॉब्लम। अच्छा वो भी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा। बस हम लोग आजकल यही कर रहे हैं, बस वीडियो शूट बना रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आप पता है मुझे लगता है आप माइक करीब ही कर लेंगे, क्योंकि आपने इस टोन में बोलने ना माइक करीब कर लें, आप माइक करीब ना, क्योंकि इस टोन में बोलने फिर हमारे लिए बड़ा ठीक है। दुखी है थोड़ा, कभी दुखी है ना, जिंदगी में कभी दुख नहीं लाने चाहिए, खुद ही आ जाते हैं, आप कोई आते नहीं है, इसी बात का तो दुख है। इस बात का जिसकी हुई उसको भी दुख है और जिसकी नहीं हुई, जो लड्डू खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आप पछता रहे? मैं नहीं, ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। ये वाला पार्ट कट कर, श्रीराम में गैप कट कर देना। ओए ये देखे कैमरा, अच्छा नहीं ये तो ऐसा, वैसे ऐसे क्यों कहते हैं लोग, ऐसा तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हैप्पी हूँ, मेरा शोहर भी हैप्पी है। वो तो शोहर को बुला के, यहाँ तीन शोहर बैठ, दो शोहर बैठे, एक बीवी बैठी हुई है बल्कि, वो और ये कमारा बैठा। इन्होंने कह रहे हैं क्यों शोहर आप है, खुश है कि नहीं? जी मैं खुश हूँ। वो भी यही कहेगा कि हाँ मैं खुश हूँ। शादी के बाद बंदा खुश होता है या? अल्लाह का शुक्र नहीं, कोई इतना चेंजेस नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा बाउंड ना हो। मतलब बड़े लोग मुझे पूछते हैं क्या चेंजेस आई हैं, तो वो समझते हैं कि पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा ना घर से बाहर जाते हैं ना कोई काम करते हैं। असल में हमारी फील्ड कुछ ऐसी है, हमें बाहर जाना पड़ता है। पर कुछ जो फैमिलीज हैं जो इतना नहीं बाहर जाती ना घूमती हैं, या कम कमा रही हैं, जॉब कर रहे हैं नॉर्मल, तो उनके लिए ज़रा रिस्ट्रिक्टेड है वो, तो बच्चों के लिए महीने में एक दफ़ा बाहर ही ले जाए तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर कहते हैं हमने तो अम्मी की गाड़ी खुश थी, क्योंकि वहाँ पे अब्बू बड़े खर्चा करते थे, यहाँ पे तो खर्चा ही नहीं होते। नहीं तो बेगम ये नहीं कहती उसकी तो हुई नहीं भी, तो वो तो चला जाता है, तुम्हारी तो हुई भी है। नहीं वो मैं कहता हूँ। वो हर जगह चले जाता है। मुझे भी जाना, उसको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ वो फिर बता के जाना पड़ता है। अच्छा बस बता के जाना पड़ता है कि इजाज़त लेके जाना पड़ता है? नहीं बता के जाना पड़ता है। ये फिर ये नहीं को जूम करके आपने लगाना है कि नहीं को फिर नहीं। अच्छा आप बताएं आप उनकी लाइफ से खुश हैं? मतलब क्या होता है ना, बंदा कहता है यार मैं अभी कमा रहा हूं, तो तुम खुश हो? नहीं मैं उसके लिए बड़ा खुश हूँ, मेरा भाई शुक्र है सेटल हो गया है, और मुझे सबसे पहले इसने बताया था तो मैं बड़ा खुश हुआ था इस बात से। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा दोस्त सेटल हो गया,
चलो राह लग गई ना एक तो ये वाला सेटल होना है वो वाला सेटल होना है इंशाल्लाह नहीं इतना खुश नहीं है ये देखिए सामने सामने देखें क्योंकि राज पता होंगे इसको डेफिनेटली नहीं बिल्कुल देखें ये मजबूरी भी है सुन्नत भी है और खुशी भी इसी में है जिंदगी तो यही है ना ये वाली सुन्नत जो है ना हम लगे सब मर्दों को बड़ा दिल करता है बड़ी जल्दी जल्दी पूरी बस यही सुन्नत है ये वाहिद सुन्नत है जो मर्दों को बड़ा दिल करता है इसके अलावा भी एक और भी है वो शादी वही कहा है ना कि शादी के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व करिए ना यही सुनते हैं हमारे मर्द हजरात को पता है बाकी कोई सुनते होगा नहीं पता कि हाँ भी ये भी करनी है पूरी ये भी करनी है पूरी ये भी करनी है बस ये पता है कि हमने शादी करनी है और एक करके फिर चार करनी है एक संभाली नहीं जा रही एक बाहर नहीं निकल रही है पर चार करनी है एडिटर ज़ुल्कर्नैन भाई तो नहीं है ना नहीं वो मुझसे पहले देखता है बाप फिर ठीक है मैं समझ रहा हूँ ये किधर जा रही है मतलब वही कर रही है मैं चुप हूँ मैं अब तीन लड़कों में फंस गई मैं कहाँ बात आज पहली बार अल्लाह की कसम ये बात अल्लाह की कसम बताए मतलब कि ये पहली बार ऐसा है कि हम तीन लड़के से ये के लिए वरना हमेशा ये होते हैं कि मतलब हमारी गेस्ट ज्यादातर खवातीन होती है तो मैं ये वाला रोल प्ले चले आप अज्यूम कर ले वीडियो में हम बनते ही रहते हैं वैसे तो ये हमारी बहन चले फिलहाल भी सवाल पे सवाल पूछे अभी सवाल पे सवाल यार आपने मतलब एक ही करनी है या है रहता आपको के शादी के पीछे पड़ गए देखें एक हो जाए बड़ी मेहरबानी है आजकल के जमाने में वक्त में यू नो एक और अच्छी और नेक बेशक बेशक ये बात है जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है ना आपने सारी जिंदगी गुजारनी है तो अच्छी होगी तो गुजरेगी अच्छी बात आपको अच्छा पार्टनर चाहिए बिल्कुल आपका एक पार्टनर चला गया आपसे अब आपको एक और पार्टनर चाहिए हाँ जी हमें एक अच्छा पार्टनर चाहिए अच्छा वो अच्छा नहीं था अल्लाह दे वाले यू नो अल्लाह दे वाले ठीक 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 बात सिर्फ ये है कि अब वो मेरे दोस्त ने कॉल की मुझे कहते यार वो एक वीडियो लगी है तो मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि आपके खिलाफ वीडियो आई है मुझे इस बात का अफसोस है कि आपका जिंदगी में पहली दफा स्कैंडल निकला है वो भी लड़के के साथ good one, good one. तो ये चीज़ अच्छी तो ये मुझे दुख यही है ऐसे बातें जरा करीबी दोस्ती करते हैं हाँ जी मतलब मुझे नहीं लगता स्कैंडल था शायद आप लोगों ने उसकी बात सुनी नहीं तो इसलिए उसने शायद बस वो अल्लाह ताला उसका नहीं बात यह है कि अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है हमारा वक्त गुजरेगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब कुछ मुझे एक दुनिया का जस्टिस कानून लोग अब लोग सुनना चाहते हैं यार दुनिया का जस्टिस पता है क्या पाकिस्तान में आपको जस्टिस मिलता ही नहीं टू बी ऑनेस्ट अगर मैं लीगल वर्क्स पेपर सब कुछ ला के भी दे दूंगा ना तो मुझे पता है यहाँ पे जलालती है इसलिए अल्लाह पे छोड़ दिया हमने अल्लाह है चलो वैसे अफसोस हुआ मतलब कि जितनी हमने मैंने तो सुनी है पर्सनली मतलब कि जितने आप पे इल्जाम लगे पुरानी होगी बहुत बात ये बात बहुत पुरानी है बस लेकिन आई अभी नहीं बोलूँ कोई बात नहीं लेकिन अफसोस हुआ दिल को नहीं एक्सपेक्टेड था दर्द नहीं एक्सपेक्टेड क्यों था मतलब कि आप तीनों काम कर रहे हो तो कभी आपने सोचा था स्टार्ट जब आप लोगों ने किया आप लोगों ने सोचा था कि कोई हमारे दरमियान में ऐसी कोई अनबन होगी जैसे अब मैं और जलाल भी काम कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के पार्टनर्स हैं ठीक है और मैं अगर कोई गेस्ट अरेंज करूंगी तो मैं जलाल भाई से पूछे बगैर नहीं करूंगी वो करेंगे तो उससे पूछे बगैर नहीं करेंगे और करेंगे तो हम टाइम फिर एक दूसरे का देखते हैं कि आप कब फ्री हो मैं कब फ्री हूँ दरमियान वाला टाइम रख लेते हैं और इस तरह से सारे मामला इस तरह चलते हैं फाइनेंशियली भी हर तरीके से तो कभी हम लोगों ने तो वैसे इस चीज पे अभी तक बात नहीं की ना भी स्टार्ट में की थी कि अगर कल को ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे हम लोगों ने यही कहा होगा तो देखेंगे अदरवाइज ऐसा होगा नहीं तो क्या आप लोगों की क्या स्टार्ट में क्या एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कुछ होगा और कितनी देर की मेहनत है हमें 10 साल हो गए हैं काम करते 2013 से काम करें सॉरी 2013 से 10 साल से काम करें स्टार्टिंग में मैंने तो था नहीं स्टार्ट किया था जिसके नाम पे पेज है WT फिर उसके बाद फिर श्याम अंदर एडअप हुआ फिर बाकी हमारी टीम तीन और लोग एडअप हो गए उन्होंने अपना एक चैनल बनाया था पर मिलके हम काम करते थे जिनको देसी माँ के नाम से आप ज़्यादा जानते हैं और समी हैं पुप्पो वाली एक्टिंग करते हैं वो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं रिच मॉम भी हैं एक तो वो तीनों माशाल्लाह से बड़े टैलेंटेड हैं तो फिर वो काम करते करते फिर जहाँ पे दोस्तियाँ होती हैं वे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं लड़ाइयाँ भी होती हैं हर रिश्ते में होता है ऐसा हाँ भाई भाई आपस में जो है मतलब कि मैं भी यही बात कर रहा था कि जब आप इवन भाई भी जब होते हैं ना जब एक स्टेज आती है एक उम्र आ जाती है तो उन्होंने एक अच्छे तरीके से अलग होना होता है एक लड़ झगड़ कर अलग होना होता है पर हम सॉरी मैं इसमें बात एक एडअप करूँगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि बहुत से काफ़ी आजकल रिश्ते
और कारोबार, कोई भी काम पार्टनरशिप पे चल रहा है सबका, तो मैं चाह रही हूँ कि आपकी वजह से जितने भी लोग हैं उनको ये एक मैसेज क्लियर हो जाए या उन लोगों को आइडिया हो जाए अगर उन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो किस तरह से करें। जैसे जलाल भाई ने की कि जो भाई वगैरह होते हैं वो जो लड़ाई होती है वो घर के अंदर रहती है। हम लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं या क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, उनका ये मसला होता है कि वो उनको उनके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा होता है या सही भी हो रहा होता है तो वो अपने अंदर या चार दीवारी में नहीं रखते, वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जो आग की तरह हर जगह फैल जाती है, ऐसी है। और जो बंदा बोल देता है वो अच्छा हो जाता है, जो नहीं बोलता वो बुरा हो जाता है। क्योंकि मैं लोगों को ये भी क्लियर करती जाऊँ, हम लोगों ने जब पूछा इनसे कैमरा जब बंद था तब पूछा, इन्होंने कहा हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे। पर बेसिक मेरा इस बारे में बात करने का यही है ताकि लोग आप लोगों को समझ सकें और उन लोगों को पता हो, क्योंकि अगर एक साइड उनके सामने रहेगी दूसरी नहीं आएगी तो वो ऑब्वियस है वो आपको गलत समझेंगे। बिल्कुल तो इस पे आप क्या कहोगे कि आप लोगों ने कभी मतलब इस चीज़ को प्लान किया था कि कल को अगर हमारी अलहदगी होती है या कोई भी लड़ाई होती है तो हम इसको किस तरह लेके चलेंगे? तो जी हम लोगों ने स्टार्ट किया था एज अ जोक, इसका इसने और मैंने बचपन में यहीं शुगर में कहा यार ये एक चीज़ चल रही है इस पर ट्राई करते हैं। हमने कहा जी चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये और मैं बचपन के दोस्त हैं तो हमें पता था कि यार हमारी लड़ाइयाँ हुई भी तो हम लोगों ने चिल चिल करके गुजार देना। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर, मैं तो उसको कह चुका हूँ तूने लेना तू ले जा भाई, मुझे कोई मसला नहीं। ऐसे ही भाई जान ऐसी तो मुझे तो जेन्युइन मसला नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदे की रोजी लगी हुई है तो ख़राब नहीं होनी चाहिए, लगी तो है ना, वो कमाए मैं कुछ और कर लूँगा, कुछ नहीं तो जूते भी ना पॉलिश करेंगे बात कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अलहमदुल्ला टैलेंटेड भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ कर लेंगे कुछ ना कुछ। सोचा भी नहीं था इतना खास कि इस तरह का पॉइंट आएगा, बट फिर एक एंड माइंड में था भी कि यार अगर उसकी कल को फैमिली होती है तो उसको अलग होना पड़ेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो क्या कर सकता है। पर प्लान्ड नहीं था, नेवर प्लान्ड कि यार ये चीज़ होगी। पर जब पार्टनरशिप की क्या डिसाइड किया कि जितना आएगा कितने परसेंट किसको जाएगा, कितने परसेंट किसको जाएगा, मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, चैलेंज मेरे नाम का है, क्योंकि इस तरह की बातें होती है ना? नहीं, इस तरह की बातें आई भी थी, नहीं भी आई, बस ये है कि हमने एक लीगल फॉर्म साइन किया हुआ है जो अभी हम नहीं बता सकते। तीनों ने या दोनों ने? तीनों ने अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, प्रॉपर पेपर वर्क है। और अगर कोई जाता है उसका एग्जिट प्लान भी प्रॉपर है। अच्छा, हुआ भी हुआ है बट वो भी हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते अभी फिलहाल। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो बड़ा एक मैच्योर किस्म का आप लोगों ने वो किया हुआ है। और ये सारा ऑल दिस क्रेडिट गोज टू वलीद भाई क्योंकि ही इज बीन मैनेजिंग एवरीथिंग। तो ये सारा कुछ पहले इसको लीगल करने का भी प्रोसेस वलीद भाई ने बोला कि कर लेते हैं, मैंने कहा यार हम दोस्त हैं चिल सीन है, उन्होंने नहीं कर लेते हैं, कर लिया। उसके बाद उसने बोला एग्जिट स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, वो भी कर ली। वो इसलिए की थी कि यार कल को ये लड़ाइयाँ ये झगड़े वगैरह ये मतलब वो ना हो। थी कोई? नहीं वायर नहीं, नहीं वो ये है कि इस्लामिक तरीका बेसिकली। जब स्टार्टिंग में मेरे माइंड में ये बात आई थी तो मेरे माइंड में ये बात आई थी कि जैसे मैं इंसान हूँ ना, अगर मेरे माइंड में ना बात आए तो हो सकता है किसी और के माइंड में आ जाए। तो अगर कल को ये हुआ कि मेरे पास ज़्यादा फॉलोअर्स आ गए, ज़्यादा व्यूज आ गए, तो मैं उसी चीज़ को बाईपास करके मैं खुद ही कर लूँ, तो अब मेरा ये दोस्त है मैं उससे चीज़ छीन के ले जाऊं, तो उसके माइंड में ये आएगा उसके पास तो पहली प्लान था ये, तो कल को मेरे पास भी ऑप्शन ना बचे उसके पास ना बचे, वो फिर जो लीगल वे होगा जिसकी राइट होगा वो कर लेगा। पर ये एज अ पब्लिकली बात करना मैं मुझे पर्सनली ये चीज़ ना पसंद नहीं है, इसलिए भी मैंने आपको स्टार्टिंग में आपने जैसे बोला ऑफ कैमरा हमने बोला बात नहीं की, क्योंकि एक फैमिली है, फैमिली हदीस है या मेरे ख्याल से कुरानी आयत है जिस अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ करे, बोलिए कि जो बंदा उस शख्स को वहाँ जलील करेगा जहाँ पे उसकी ज़्यादा, तो मैं उस शख्स को वहाँ जलील करूँगा जहाँ पे उसकी ज़्यादा। तो ये तो जब अल्लाह ताला जलील करता है फिर तो फिर कोई चीज़ नहीं, वही बात ना अल्लाह की लाठी बेवजह आपस में चीज़ की नहीं। काफ़ी लोगों ने हमें वैसे भी बोला, हमारे ना पिछले 7-8-9 महीनों से व्यूज़ बहुत थोड़े डाउन थे, हम खुद किसी वजह से डाउन थे, काम नहीं कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों ने बोला ऐसी चीज़ें शुरू कर दो बड़े व्यूज़ आते हैं, उन्हें कहा पसंद नहीं है जो भी बात हो जो भी मामला, तो ऐसा करना नहीं है, रिस्क है ऊपर नीचे उतरा तक हम कोई मसला नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह पाक आपको इतना दे रहा है कभी इतना दे देगा तो सब्र करो भाई, इतना भी मिलेगा। तो कभी ये चीज सोची नहीं थी, तो वो सोची नहीं थी ठीक है, असल मसला शुरू कहाँ से हुआ? कोई पैसों की वजह नहीं, बेसिक पैसों की वजह से कौन दुनिया में कौन सारे मसले होते ही पैसों की वजह से होते हैं, पैसों की वजह से मसले सारे। और किस वजह से होते हैं? जब आप इतने अच्छे दोस्त हो, इतने अच्छे पार्टनर्स हो, इतनी देर से काम कर रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपने पहले अगर मसले पैसों की वजह से नहीं हुए तो अब क्यों हुए?
वही बात है ना, जब आपकी फैमिलीज बन जाती है ना तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है आपकी फैमिली। आपको पता होता है कि यार मैंने अब जो भी करना है अपनी फैमिली के लिए करना है। पहले आपका यही होता है कि यार चल दोस्त है, चल कर लेंगे, चल कर लेंगे, ऐसे ऐसी कुछ। और लोगों की जो बातें होती हैं ना, जो बैक बाइटिंग हो रही है, वो कहानियाँ शानियाँ लोग डालते हैं बिला वजह मिर्च मसाले के साथ, वो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी एक बंदे के माइंड में बैठती रहती हैं, बैठती रहती हैं, बैठती रहती हैं, बैठती रहती हैं। तो वो जब पाइल अप होती हैं तो वो बंदा यहाँ आपके मुँह पर बोल देता है, यहाँ वो पीछे वही वो आपको बता रहा है कि तीसरा बंदा लड़ाई डालता है। हाँ, ये आपके लिए भी है, ये हर कपल के लिए भी है भाई, कि मियाँ बीवी की जो आपस की बात है वो उनमें ही रहे। तीसरे बंदे में गई ना तो उन्हें मिर्च मसाले ला के अग ला देनी, एंड दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। जैसे आपने सॉरी भाई की बात कर, जैसे आपने बात बोली थी ना कि दो भाइयों में लड़ाई होती है, वो लड़ाई भी भाभी की वजह से होती है। दो भाई में लड़ाई होती है, वो भाभी की वजह से होती है। लड़ाई भी भाभी की वजह से होती है। वो अपना अपना सोचता है। 90% ऑफ द टाइम जो होता है, 90% ऑफ द टाइम नहीं होता। मैं वैसे कह रहा हूं कि तीसरा बंदा जहां पे भी इन्वॉल्व होगा ना, बेशक वो दोस्ती है, बेशक वो भाई बहन का रिश्ता है, आपके रिलेशनशिप सिक्योर करना चाहिए। और अगर आप तीसरे बंदे की बात सुनते हो तो मुझे लगता है कि पहले आपस में क्लियर करो कि भाई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे ही। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों मिलके वो तीसरे के मुंह तोड़ दो। एग्जैक्टली। असल में ना गलती लोग बुला के करते हैं, जो मेरी उसके पॉइंट ऑफ व्यू की क्लास है, वो ये है कि लोग ये चीज़ नहीं देखते कि अगर आप ग्रो हो रहे हो तो सामने वाला बंदा भी ग्रो हो रहा है। तो अगर आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है तो उसका भी चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली। तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये वो पहले वाला क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो हम इधर गलती कर जाते हैं, हम कहते हैं कि अगर ता है उस शादी से पहले वो मेरे साथ तो बड़ा मिलता था, अब शादी के बाद नहीं मिलता तो मैं उससे लड़ाई करने बैठ जाऊँ, अब तू क्यों नहीं मिलता और मैं उससे लड़ाई क्रिएट कर लूँ। अब मैं ग्रो हो रहा हूँ तो वो भी तो हो रहा है ना, तो उसकी डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं और मेरी डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं। तो वो फिर ये चीज़ अगर आप नहीं समझोगे ना तो आप रिलेशनशिप कोई भी होगा आप अकेले ही रह जाओगे, लड़ाई होगी। कोई मसला नहीं, आप तीन से दो हो गए हैं तो अब ये दोनों में चीज़ें क्लैरिफाई हैं कि कल को हम ये भी सुने कि जी वलीद अलग वीडियो डाल रहे हैं, आप अलग डाल रहे हो एक दूसरे के खिलाफ। हम डालेंगे व्यूज़ के लिए। मैंने तो उसको पहले मजाक में मैं उसको ये कह रहा था कि यार हम भी ये शुरू कर लेते हैं, वलीद ने मेरे साथ आती की, तारा ने मेरे साथ आती की, अली ने मेरे साथ आती की, तो हम शुगल में। मैंने तो जेन्युइन, मुझे तो ये चीज़ पसंद ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और इंशाल्लाह अगर कल को वो अपना काम शुरू करता है मैं उसको 100% सपोर्ट करूँगा। मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा टाइम अच्छा गुजरा हुआ उसके साथ, और मुझे पता है मैं उससे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी करेगा सेम वे। ये चीज़ें कब तक चल सकती है, मतलब आप लोग वाइंस बनाते हो ज़्यादातर ना, तो मतलब एक टाइम आता है कि आप कहते हो बस यार अब बस है, वाइंस कितनी बना ली सही, मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ और करना है सही, या कोई बिजनेस करना है, अलग होना है, तो वो उसका क्या प्लान है कि यार क्योंकि पार्टनरशिप में ना बेसिकली अब आप लोग दो, फिर आपको तब भी अलग होना पड़ेगा। प्लान तो ऐसे फिलहाल कोई भी नहीं है, बट ये है कि माइंड में चीज़ें हैं। अगर हम डिफरेंट फील्ड इसी कोई मतलब इंटरनेट मीडिया कोई लेकर चलें तो उसमें हम क्या चेंजेस ला सकते हैं। फॉर नाउ एक्सपीरियंस ही है ना, सीखा ही है फिलहाल, सीखा ही है। 11 साल एक चीज़ में ज़ाया किए हैं, ज़ाया तो नहीं बट किए हैं, लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, तो अच्छा ज़ाया किए हैं, तो ज़ाया की इनकम कितनी आई है? नहीं, हमारे घर वालों की अगर कंपेयर करें तो ज़ाया ही हुए। आप ये मैंने अम्मा और उनके बड़ों के अल्फाज बोले हैं, इतना टाइम तो ज़ाया करता है, वो बोला तो हम कुछ कर भी लो। बताए ज़ाया करके कितना कमाया आप लोगों ने? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमाया, गाड़ियाँ बनाई, शौक पूरे किए, माशाल्लाह भाई ने तो शादी कर ली, ज्यादा और क्या। कितना यार एस्टीमेट कुछ नहीं बता सकते, हम 11 साल की इनकम बता दो, हमने हम उसको तोड़ लेंगे एक एक साल। मैं आपको इजी एग्जांपल दे देता हूँ, हमने डेली व्लॉगर जितना नहीं कमाया पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमाया, हम खुश हैं, हमने अपने लिहाज से अपने जिंदगी में बड़ा अच्छा कमा लिया, अपने लेवल के लिहाज से, अपने कार्ड से। तो फैमिली सेटिस्फाई नहीं? फैमिली सेटिस्फाई हैं भी और नहीं भी हैं। नहीं क्यों? नहीं इसलिए कि वही बात है, लेते के दुपट्टे फाड़ के वीडियो बना अच्छा उनको बस ये मसला है, उनको ये छोटे-छोटे मसले होते हैं, वरना एंजॉय करते हैं, वो अभी भी एंजॉय करते हैं वीडियोस को, वो भी एंजॉय करते हैं। और वो बल्कि मेरी माँ तो मुझे आइडियाज दे रही होती हैं, तो इस पर मुझे याद आ गया, मेरी अम्मा ने ना मुझे बहुत ही मारा, क्योंकि मैं बड़ा शरारती बच्चा रहा हूँ। तो मेरी अम्मा की एक बड़ी मशहूर बात है मेरे खानदान में, जो मैंने पहले नहीं बताई, अभी बता देता हूँ। मेरी अम्मा ने मुझे ठुड्डे मारती थी, तो मुझे मेरी अम्मा कहते हैं कि वो फुटबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर है, बिकॉज आई वाज द फुटबॉल। अगर वो हमें पुश ना करे तो हमारा तो बेड से उठने को दिल ना करे, हम तो रेडी ना हो, कुछ खाए ना,
और बाहर से मंगवा मंगवा पागल हो जाए, इंटरनेट यूज कर करके पागल हो जाए। और हम तो देखते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो तो छोटी सी की बात होती है वो स्ट्रेस में रहते हैं, हर चीज डीएक्टिवेट कर दी, गायब हो गई, हमारा ये हो गया, डिप्रेशन हो गया, काली वॉलपेपर। तो वो कैसे, हम हमें तो इस तरह वो मुर्गा बना के पीछे सोटियां पड़ती रही हैं स्कूल में तो मैं ऐसे अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स ना होते हैं तो क्या होते हैं, तो आप क्या होते हैं? मैं क्या होता? कामयाब होता। गुड वन। नहीं नहीं सच्ची में क्या होते हैं? ये कभी सोचा नहीं, मैं अभी पंगे पंगे ले रहा था उठे। मैं अगर कंटेंट क्रिएटर ना होता तो शायद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता और फिर मैं फिर वापस कंटेंट क्रिएटर ही होता क्योंकि जितने इंजीनियर हैं वो कंटेंट क्रिएटर। इंजीनियर इंजीनियरिंग के अलावा हर काम करते हैं। पर आप? मैं या तो साइंटिस्ट होता या शेफ होता, मुझे इन दोनों में शौक था। पर वो खाना बना लेते हैं हाँ, मतलब जब दिल करे तब। बेगम को अब तो बेगम आ गई है तो नहीं, बेगम को अभी तक क्या बना के खिलाया? अभी तक मैंने उनको दो दफा मलाई मशरूम चीज ऑमलेट बना के खिलाया, वो मुझे एक रेसिपी पसंद आती एक रेस्टोरेंट से तो मैंने कॉपी कर ली। अंडे कर ब्रेकफास्ट में मोस्टली चीजें मैं उनको बनाता हूँ, मेन कोर्स में नहीं इतना कुछ। मेन कोर्स में नहीं, मतलब हम मेन कोर्स में कम चीजें ब्रेकफास्ट का कुछ बना सकते हैं अपना। हाँ। एक सेटअप बना सकते हैं। हाँ ऐसी हमने अपना रेस्टोरेंट बनाया था भुजनौला में, तो सारा मिक्सर मैच करके चल रहा है कि बंद कर दिया? नहीं फिलहाल क्लोज कर दिया। क्यों? वो भी इसलिए क्लोज कर दिया क्योंकि उस टाइम पे हमारे एक क्रिकेट के प्लेयर हैं उनको उन्होंने जेल में डाल दिया था, तो उसकी वजह से हमारा जो है ना सारा मामला, क्योंकि हमारी चीज़ें बाहर से आती थी इंपोर्ट बंद हो गई, तो वो सारा बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ जिसकी वजह से हम। तो नुकसान उससे कितना हुआ आपको? नुकसान तो कोई नुकसान मतलब इतना हम लोग यही सोचते हैं नुकसान नहीं, हम काउंट करते हैं एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। हमने 30-35 लाख इन्वेस्ट किया था बट 10-11 हमने रिकवर कर लिया था, तो समझे 60-70%। हाँ आसान है ग्राफ जब स्कोर आपको आ जाए। नहीं आपने कहीं ना कहीं से तो जोड़े होंगे ना, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल जितने भी इंसान पैसे कमा रहे जितने मर्जी कमा ले उसकी चादर उतनी बढ़ती जाती है, ऐसी ऐसी। तो वो फिर वो चादर के अंदर दोबारा से अपने आप को समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बिग अमाउंट है। तो फिर अब कभी सोचा है दोबारा नया एक्सपीरियंस करने का? जरूर डेफिनेटली करेंगे। हम जो फेलियर्स होते हैं उनको फेलियर्स नहीं समझते, हम उनको एक्सपीरियंस ही समझते हैं। अगर एक चीज़ से मतलब इट फेल्ड डजंट मैटर, हम सीख के नई चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी है इतनी जितनी भी है ट्राई करते रहेंगे इंशाल्लाह। सही है, कामयाब होंगे ये लोग कभी ना कभी इंशाल्लाह, जल्दी कभी तो होंगे कामयाब है माशाल्लाह। मैं तो होता बोल लो यार क्या नाम है, मैं तो यही सुना दो यार भाई। मैं जलाल भाई सुन परेशान है कि ये बातें हमें तो लगाते हैं बड़ी कॉमेडिक बातें करते हैं, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। लेकिन मैं यार ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारे अभी अपकमिंग जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं इकट्ठे काम करना चाह रहे हैं टीम में, तो उन लोगों को क्या एडवाइस करोगे कि किस तरह वो लोग टीम बनाएं, उनके अपना ये जिस तरह आप लोगों ने एग्रीमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं वो रखें इसको, क्योंकि वो भी यंग लड़के शुरू करेंगे उनको नहीं पता, तीन चार लड़के करके शुरू। मैं आपको डेफिनेटली बताऊँ, पार्टनरशिप करें पर दिल साफ होना चाहिए। आपके दिल में एक दूसरे के लिए नफरत बुगज ये वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपका दोस्त कामयाब हो रहा है तो आप भी कामयाब हो रहे हो, ये ना सोचो कि वो ज़्यादा फेमस है। भाई सबको इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है, आपको भी आपके हिस्से की इज्जत मिल रही है, सिर्फ आपको पता नहीं। आप में से सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कौन फेमस था? सारे फेमस। वेरी गुड एक्टर उसने थिएटर किया हुआ है, वो कहते हैं ना आवाज भी उसकी ना, हाँ खुल डुल के एक्टिंग करता है वो, हम फिर भी कहीं ना कहीं रिजर्व हो जाते हैं। ही डिजर्व्स इट पर उसने छोड़ भी दिया हुआ है, उसने अपनी ही वजह से छोड़ दिया। क्यों? वो एक बंदा है जिसका दिल करता है कि मैं इस फील्ड में करूं, वो बंदा कर सकता है अभी भी स्टार्ट करे तो वो कर सकता है। उसके भी दुपट्टे वगैरह पहनने वाले मतलब उसके सिर्फ दुपट्टे, वो प्रॉपर अपना सारा का सारा जो सेटअप है सारा खुद करता तो है, अपनी डिजाइन करता है। वजह से तो नहीं छोड़ा कि यार फैमिली पार्ट ऑफ द थिंग। असल में हम जहाँ से हम लोग 6 के 6 आए हैं ना, वो मोहल्ले वाली जगह है,
हम सारे मोहल्ले में रहते हैं, तो मोहल्लों में आपको पता क्या होता है। और हमारे पाकिस्तानी कल्चर में वैसे भी ना इस चीज़ को थोड़ा गंदा ही समझा जाता है, पर हमारी फैमिली में खानदान में किसी ने ऐसी कोई चीज की नहीं। जैसे आजकल मैं आपकी, जैसे आपने पाकिस्तान की बात की, तो मैं कंटेंट क्रिएटर है तो हमें चाहिए कि थोड़ा बहुत लोगों को पॉजिटिव चीज़ें भी बता दें। नेगेटिव क्या हो रहा है? नेगेटिव ये हो रहा है कि जैसे एक नई वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, सबको पता होगा बड़ी वो फेमस है, अच्छा उसी को गेटअप करके लोग अब वीडियोस डाल रहे हैं बहुत से लोग, तो अब उन चीज़ों को इतना ट्रोल किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में अब ये करेंगी ये करेंगी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारे जब ये चीज़ें ड्रामास में दिखाई जाएँ, मतलब कि किसी को तवाइफ दिखाया जाए, जी जो साली है वो अपने बहनोई के साथ सेट हो गई है, जी माँ उस लड़के के साथ भाग गई है, जी बेटी अब्बू के साथ हो गई है, तो जब वो चीज़ें दिखाई जाती हैं उसका क्या असर पड़ता है? और अगर इन चीज़ों को कॉपी, क्योंकि वो भी एक्ट करते हैं ना, ऐसे एक्ट करते हैं, तो कंटेंट क्रिएटर भी मुझे लगता है ऐसा एक्ट ही कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या है कि ये चीज़ें पॉजिटिव हैं या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यार वैसे तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हमेशा पाकिस्तानी ड्रामों में यही क्यों दिखाते हैं कि सास और बहू की लड़ाई होगी, लड़की ने ये कर दिया और लड़की ने वो कर दिया, इसके अलावा कोई ड्रामों में कोई चीज़ नहीं आती। सास ने उसको जहर दे के मार दिया, बहू ऐसी है, नंद ने कर दिया कुछ, ये कर दिया, लेकिन हम खबरों में भी तो यही सुनते रहते हैं सर, बात पता है खबरें होती हैं। नहीं पर मीडिया के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो चीजों को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे आपको आपको पता है यूएसए में, यूएसए में लोगों को लगता है पाकिस्तान बिल्कुल गांव है, उनके पास रोड ही नहीं है, उनका मीडिया की दिखाता है, लगता है यहां पे आता है परेशान हो जाते हैं। कितने व्लॉगर्स वो आते हैं पाकिस्तान अंग्रेज, हम मैं उनकी रोज रील्स देखता हूँ पाकिस्तान विजिट करें, कहते हैं हम तो जब दोस्तों को आते हैं वो तो कहते हैं हमें तो पता ही था पाकिस्तान ऐसे इतना डेवलप। पिछली बात को ही कंटिन्यू करूंगा, उनकी मजबूरी है, आप देखें तमाम इंजॉय ही एक बिकता ही है, मसला ही है। आप अशद रील जो है माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं ना, हम हमने उसके अंदर भी मीम डाले हैं, वो इतना अच्छा कर रहा है, हमने उसके अंदर भी मीम डाले, क्यों? हमारे इमाम को पसंद ही हुआ है, मसला ही है। कितने कितने लाइक्स होते हैं उनके उनकी मीम्स के ऊपर। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोग इतनी देर से अल्हम्दुलिल्लाह यही बनाते हैं, नहीं 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 यही बनाता है। हर्षित भाई देख ले, हर्षित भाई इस बंदे को जूम करके देखे, यही वो बंदा है जिसने जो मीम्स आपकी बना रहे हैं डालते हैं ना, यही वो बंदा है। ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग इतने सालों से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली कॉन्टेंट बना रहे हैं, ठीक है, इतने सालों से, पर हमसे ज्यादा वो लोग कामयाब हैं जो गालियां वगैरह निकाल रहे हैं, आज भी रोस्ट कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं और पिटाई कर रहे हैं, तो फिर भी हम इधर ही लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि हम एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, सारी जिंदगी देना चाहते हैं कि यार फैमिली फ्रेंडली होनी चाहिए, हम है तो मुसलमान ही एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा ये बताएं कि आपने बता दिया कि पार्टनरशिप करनी चाहिए, दिल साफ रहना चाहिए, काम अच्छा करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जो आप 10 बंदों में बैठ के देख सको, बिल्कुल मतलब फैमिली कंटेंट। कल को आपके बच्चे भी देखें वो ये ना बोलेंगे यार की गीता आज अब्बा जी है की खा रहे हो। अच्छा यार अभी हमने इतनी उर्दू की बात की, इतनी हमने तहजीब की बात की, तो यार हमें उर्दू अदब में आप कोई शेर व शायरी भी सुनाइएगा। सर मैं जरूर सुनाता, पर मैट्रिक में मेरी जनवन उर्दू में सब उर्दू में सब लिया है, देख लीजिए ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शेर देख लेते हैं, देख के बोलता ऐसे कर सकते यार, मैंने लिखे हुए हैं पर पता नहीं है बैठेंगे नहीं माहौल के हिसाब से, कोई मसला नहीं, आप माहौल आप कोई दुखी माहौल दिखा दें, कोई टेंशन नहीं। जी बिस्मिल्लाह जी, ताहा की तरफ से आ रहा है जी एक शेर, मुझे टाइम लगेगा अपने शेर पढ़ने में टाइम। हाँ, अल्लाह यार आगे पीछे तो फौरन मिल जाते हैं, आजकल आज नहीं मिल रहे। ये पहले वाला तो अच्छा लग रहा था, वक्त ही गुजर जाता है बस यादें रह जाती हैं। हाँ गुड यार, लाल भाई को दुखी शेर बहुत पसंद है, छोड़ जा यार आप बता दो, सबको ही दुखी पसंद हो यार, ये तो चले जी 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 बिस्मिल्लाह जी आ रहे जी आ रहे। वक्त तो गुजर जाता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं, लोग चले जाते हैं, सिर्फ बातें रह जाती हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त भी आएगा, दुआ करो उसकी याद ना आए, वो वक्त तुम्हें बहुत सताएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये शेर सुनाया कि आपने, वक्त गुजर जाता है यादें आ जाती हैं, यादें गुजर जाती हैं, मैंने आपको बोला ना, वो आ जाता है, वो गुजर जाते हैं, ये आ जाते हैं, ये गुजर जाता है, उस तरह आ जाता है। क्या बात, बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखा था। अच्छा मेरे पास एक शेर है, वो ये है, बदला जो वक्त उनकी मोहब्बत बदल गई, सूरज ढला तो साए की सूरत बदल गई, एक उम्र तक तो हम उनकी ज़रूरत बने रहे, फिर यूँ हुआ कि उनकी ज़रूरत बदल गई।
क्या बात है, ये देखा है, इसे कहते हैं शेर पढ़ना। आपने शेर पढ़े नहीं, आप शेर आपने ये शेर किसके लिए? ये बहुत पुराना शेर था, किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए ये जब हम देख लेंगे क्या, जब मेरी शादी होगी ना तो फिर मैंने लिखा था कि जब हम दो बेस्ट फ्रेंड में जुदा डिस्टेंस आ जाते हैं ना तो फिर ये हो जाना चाहिए। ये शेर तब लिया। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, दोस्ती हो तो ऐसी हो, अदरवाइज ना हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया। थैंक यू, क्योंकि हम लोगों ने आपका वो कॉमेडी वाला सीन तो देखा हुआ है, लेकिन हम चाह रहे थे कुछ सीरियस बातें कर लें, तो काफ़ी हमने सोबर सीरियस अच्छी बातें की हैं। उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आई होंगी। जलाल भाई अल्लाह हाफिज़ कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, खुदा हाफिज़, ख्याल रखें।